एक राजा की दो पुत्रियाँ थी। दोनों पुत्रियाँ पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत विधि विधान के साथ करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। उसकी पूजा अर्चना में, व्रत उद्यापन में कोई रुचि नहीं थी। इसका परिणाम यह हुआ कि विवाह के पश्चात छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मरने लगी। हर वर्ष संतान पैदा होती और मर जाती। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम विवाह से पहले पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिन जीवित रहा, मगर कुछ दिनों बाद ही मर गया। उस लड़के को एक पीढ़े पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसकी साड़ी बच्चे को छू गई। बच्चा कपड़ा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि क्या तुम मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता, ये तुम क्या कर रही थी? तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, यह तेरे पुण्य से ही जीवित हुआ है। उसके बाद वो पूर्णिमा के व्रत की महिमा को भली भांति समझ गई और नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। जय सनातन। कैसी लगती हैं आपको मेरी कहानियाँ, प्लीज़ बताइए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।